निकाल के कभी भी फायरिंग नहीं कर सकता करके ये पूरी घटना बहुत ही संशयास्पद है, क्योंकि पहले दिन से जब घटना घटी तब जो स्कूल में ये घटना घटी, जो स्कूल में 4 साल की बच्ची के ऊपर अत्याचार किया गया, वो स्कूल भारतीय जनता पार्टी के नेता की थी। करके 5 दिन लगातार कोशिश करने के बावजूद भी FIR दाखिल नहीं करने दिया। 13-13 घंटा वो जो पीड़ित परिवार था उनके परिवार के लोग बदलापुर पुलिस स्टेशन में 13 घंटा लगातार वहाँ बैठे रहे कि FIR दाखिल करो, लेकिन उन्होंने FIR दाखिल नहीं किया। वहाँ का CCTV फुटेज गायब है। ये पूरा मामला संशयास्पद है। ये पूरे मामले में जो दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो स्कूल है और जो उसका भारतीय स्कूल का जो मालिक है उसको बचाने के लिए ये पूरा एनकाउंटर किया गया है। ये जो अक्षय शिंदे जो है कोई स्टेटमेंट जो सही बात जो है स्टेटमेंट उसका आने के पहले उसका खात्मा कर देना चाहिए। इस हिसाब से ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, इसकी जांच होना चाहिए। हमारी मांग है कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज द्वारा इसकी जांच होना चाहिए। थैंक यू।